बुलंदशहर में गाली देने पर खौफनाक कत्ल, आला कत्ल के साथ आरोपी गिरफ्तार। 23 अप्रैल को गांव मुरादाबाद में घर में मिला था विपिन उर्फ शंकर का लहूलुहान शव। पुलिस ने जांच के आधार पर विपिन के गांव निवासी भूपेंद्र को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक भूपेंद्र को विपिन ने किसी बात को लेकर गालियां दी। गालियों से क्षुब्ध होकर भूपेंद्र ने बलकटी वार कर की थी विपिन की निर्मम हत्या। सिकंदराबाद पुलिस ने भूपेंद्र को गिरफ्तार कर विपिन हत्याकांड का किया 23 तारीख को थाना सिकंदराबाद के मुरादाबाद गांव में एक व्यक्ति जिनका के नाम विपिन है, उनकी बॉडी उनके घेर पे ही मिली थी। वो एक खाट पे सो रहे थे और मौके को देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि उनके ऊपर जो मच्छरदानी लगी हुई थी उसके बाहर से किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सिकंदराबाद की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए भूपेंद्र नामक व्यक्ति जो कि मृतक का परिचित था उसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि कुछ दिन पूर्व इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसमें कि मृतक ने भूपेंद्र को गाली दे दी थी। इस बात से वो काफी आहत था और घटना वाले दिन उसने उसे मालूम था कि ये बाहर अपने घेर में सो रहा होगा, ये वहां पर जाकर वहां जो बल्ब लगा हुआ था उसने सबसे पहले इसे उसने उसे हटाया ताकि अंधेरा हो जाए, और उसके बाद अपने साथ एक ये बलकटी लेकर आया था जिससे कि उसके सर पे वार कर दिया। और देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।